थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से तमाम दर्शकों को, सभी देखने वाले दर्शकों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज थोड़ा वक्त हमने बदल लिया क्योंकि आज त्योहार था, तो रोज हमारा जो शो होता है शक्ति सीजन 2 7 बजे का होता है, लेकिन आज हमने थोड़ी सी इसमें वक्त बदला आज के लिए, और आज 9 बजे जो हमारे साथ शख्सियत हैं आज इस प्रोग्राम में, शख्सियत में टेलीविजन और रंगमंच का एक जाना पहचाना नाम है, सिनेमा से उनका ताल्लुक रहा है, बेहतरीन कलाकार हैं, आपने उनको जरूर देखा होगा, क्या कहूँ, आप खुद ही मिलिएगा उनसे, और बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी अनूप उपाध्याय जी का, बहुत बहुत स्वागत। बहुत नमस्कार बहुत स्वागत। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आपके प्रोग्राम में आपने मुझे जो है इनवाइट किया, और मुझे बेहद खुशी हुई कि बहुत मैं बहुत आपके शुक्रिया, प्रोग्राम जी मैं आपके बहुत प्रोग्राम्स बहुत और भी शुक्रिया। जी, मैंने देखा, पहले भी देख चुका हूँ, और फिर आपसे बातचीत हुई और फिर आपने इनविटेशन दिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक जी यू वेरी मच। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस मंच पर, इट्स प्रिविलेज फॉर अस टू हैव यू हियर। एंड मैं सबसे पहले, जिस तरह से हमारे शो का फॉर्मेट है कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, जो हमारे यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनको उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है कला के क्षेत्र की, उन तक पहुंचे, तो ये मकसद है शो का, क्योंकि कला का रास्ता आसान नहीं होता और उसके पीछे बहुत अथक मेहनत और एक डेडिकेशन की जरूरत है, बहुत मुश्किल रास्ता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि रंगमंच में जो आपका सफर रहा है, मैं चाहूंगी कि हम भी इसका हिस्सा बने। जी, जरूर। जी मैं शुरुआत करता हूं वहां से कि मैं मतलब किस तरीके से हम वहां तक पहुंचे, जी रंगमंच तक बिल्कुल पहुंचने का सबसे बड़ा, फिर रंगमंच का जी सिलसिला वो एक सफर अलग है। जी हुआ बिल्कुल ये कि बिल्कुल मैं जिस शहर से हूँ वो एक छोटा सा शहर है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है जी गंज ढुंढवारा। काफी रिदम है इस नाम में, बहुत गंज बहुत नाम ढुंढवारा। और जी आपको बता जी दूं कि वहां से 7 किलोमीटर दूर एक जगह है पटियाली, जहां पे अमीर खुसरो साहब का जन्म हुआ था। जी, तो मैं उस जगह से हूं और मुझे बड़ा क्या अच्छा बात लगता है जब अमीर खुसरो साहब का नाम आता है और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ से ही हैं वो। तो वहां पे जब मैंने ग्रेजुएशन किया ना, तो अखबार में एक छोटा सा इश्तेहार निकला हुआ था, कुछ लखनऊ BNA जो है, भारतीय नाट्य अकेडमी, वहां था। जी तो मेरे एक दोस्त हैं जो जी दिल्ली में भी थिएटर कर रहे हैं, अनूप त्रिवेदी, उन्होंने जी मुझसे कहा यार हमें नाटक करने हैं और ये करने हैं, यार ये जगह पे कुछ है, यहाँ पे चलते हैं। तो हम अपने शहर से निकल गए लखनऊ, वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पता लगा कि यहाँ पे एडमिशन आपको तब मिलेगा जब आप कुछ 10 नाटक किए हों ऑलरेडी पहले से। तो हम अपने शहर में तो स्कूल कॉलेज में करते थे, लेकिन इस तरीके का कोई थिएटर ग्रुप ग्रुप कुछ नहीं था, और लोगों को पता भी नहीं था थिएटर होता क्या है एक्चुअली। वहां तो रामलीला जी होती थी हर जी साल, वही एक तरीके से स्टेज पर देखा करते थे हम लोग। लेकिन मुझे ये, मेरे दोस्त को ये पता था कि कुछ नाटक होते हैं, क्योंकि तो हम लोग नाटक अपने सब्जेक्ट में पढ़े हुए थे, कि इसका मंचन भी होता है, ऐसा भी होता है कहीं लखनऊ दिल्ली इस जगह पे, जी लेकिन सही जगह कहाँ है ये पता नहीं थी। तो वहां पे हम पहुंचे, तो वहां पर हमारी मुलाकात हुई वहां के कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि आप 10 प्ले किए हो, उसके बाद आप यहाँ का फॉर्म भरिए, फिर इंटरव्यूज दीजिए, फिर इंटरव्यू देने के बाद फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप यहाँ पे 2 साल की पढ़ाई कर पाएंगे। तो जी हमने कहा यार 10 प्ले कहाँ करें, तो हुआ ये कि लखनऊ में ही करते हैं। फिर मेरे एक मित्र हैं अभिजीत मंडल, उन्होंने कहा कि लखनऊ में प्ले करने से बेहतर है कि आप दिल्ली चले जाइए, जी दिल्ली में एक हब है पूरा, मंडी हाउस एक जगह है जहां पे आप ये प्ले कर सकते हैं, काफी ग्रुप्स हैं उनके साथ आप जुड़ सकते हैं, और वहां 10 प्ले करने के बाद फिर आप BNA जा सकते हैं, NSD जा सकते हैं, दोनों में से कहीं भी। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो हम लोग दिल्ली पहुंच गए, मतलब ये था कि करना है करना है, चाहे कहीं भी करना है पहुंचना है। तो जब हम दिल्ली पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात हुई विजय शुक्ला जी से, जो उस टाइम पे श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी में थे। विजय शुक्ला, काफी नाम उनका अपने जमाने में रहा और काफी अच्छे उन्होंने प्लेस व्लेस किए, बहुत अच्छा है, बहुत कमाल के एक्टर है। जी तो हमारी मुलाकात उनसे ही, हमने कहा कि ऐसे 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 करके हम आए हैं और आप बताइए कि क्या करें, और आपके एक दोस्त थे वहां अभिजीत मंडल करके लखनऊ में, उन्होंने कहा था आपका नाम कि आपसे मिलने। तो जी उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, यहाँ पे तुम मंदिर की तरह आते रहो रोजाना मंडी हाउस,
मिलते रहो लोगों से, वहीं से धीरे 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 करके कोई रास्ते बनेंगे और आप पहुंच जाएंगे। तो वो भी करते रहे हम लोग 1 महीना, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। वही शाम को जाके बैठना, लोगों से मिलना, ये, लेकिन कोई ग्रुप ग्रुप में एंट्री नहीं हो रही थी। तो फिर एक साक्षी ग्रुप है वहां पे उस टाइम पे, तो वो एक प्ले कर रहे थे इंस्पेक्टर माथादीन चांद पर, तो उसमें फिर हमारी एंट्री हुई और हमने स्ट्रीट प्ले किया ट्रेड फेयर जो प्रगति मैदान में होता है बिल्कुल उसमें। वो मेरा पहला, लाइफ में पहली बार मैं कहीं कुछ कर रहा था ऐसे, मतलब परफॉर्मेंस जी प्रदर्शन का। वहां से आने के बाद वो हो गए 2-3 शोज हुए, उसके बाद हुआ कि अब क्या करें। तो फिर विजय शुक्ला जी ने मेरी मुलाकात हबीब तनवीर साहब से करवाई। वो एक प्ले देखने आए थे कमानी ऑडिटोरियम में, तो हम लोग मिलने गए, तो फिर मैंने उनके पैर पैर में छुए और उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपके यहाँ जो है वो आना चाहता है। और हबीब साहब के उनसे बड़े अच्छे ताल्लुक थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपने बाप का पैसा अगर बर्बाद करना चाहते हैं तो करें, ऐसी मजाक में उन्होंने कहा। तो उस टाइम पे तो मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है। तो उस टाइम पे बेरसराय में उनका रिहर्सल होता था, जी तो अगले दिन फिर मैं और विजय भाई के साथ वहां पहुंचे, फिर वहां बैठे, बहुत लोग थे उस टाइम पे। आशीष विद्यार्थी जी उनके साथ वो प्ले में थे, निंदिता दास थी, उनके गांव के जो ग्रामीण जो उनके एक्टर थे वो सारे लोग थे, एक से कमाल के सिंगर परफॉर्मर। तो मैं पहली बार एक्चुअल जो है वो थिएटर देख रहा था कि यार ये होता है थिएटर। और हबीब साहब पूरा अपना ब्लैक कोट पहन के और अपना कैप अप लगा के और पाइप मुंह में लेके धुआं उगलते हुए बैठे थे, क्या मतलब पर्सनालिटी। लगता था यार ये है मामला यहाँ, तो यहाँ कैसे होगा कैसे होगा। एक दिन हबीब साहब ने मुझसे कहा कि आइए जरा पढ़िए ये। उस टाइम पे उनका एक प्ले चल रहा था देख रहे हैं नैन, तो उसकी रिहर्सल हो रही थी, मतलब उसकी तैयारियां चल रही थी। तो मैंने वो पढ़ा। विजय शुक्ला जी के साथ रहते रहते ना मैंने थोड़ी सी अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी, तलफ्फुज वगैरह कुछ ठीक कर रखे थे अपने, क्योंकि हम तो अपने छोटे से शहर से आए थे, तो बहुत बिगड़ा हुआ था मामला उस टाइम पे, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था। लेकिन वो रहते रहते ना प्रैक्टिस में रोज करता था उनके साथ, क्योंकि वो अपने प्ले की तैयारी करते थे। तो अभी साहब ने मुझे पढ़वाया, मैंने पढ़ा, फिर थोड़ा सा उनको ठीक लगा, फिर अगले दिन गए, फिर धीरे धीरे होते 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 ना वो कैरेक्टर मेरे हाथ में लग गया, मतलब मुझे मिल गया, मेरी झोली में आ गया वो। क्या बात फिर है, हबीब साहब ने देखा कि ठीक है लड़का, तब 19 ईयर्स की एज थी मेरी सिर्फ। हाँ, तो फिर हबीब साहब ने करते रहे करते रहे करते रहे। घर से उस टाइम पे मेरे कुछ पैसे आते थे थोड़े बहुत, तो फिर घर वालों ने भी कहा यार ये कब तक ऐसे हम भेजते रहेंगे ना। तो मैंने हबीब साहब से कहा कि सर ये तो अब बंद होने वाला है मेरा जो भी कुछ है। तो हबीब साहब ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको अपने ग्रुप में रख लेता हूँ। फिर उन्होंने फिर मेरी जो है तनख्वाह शुरू की वहां से। फिर वो एक जर्नी चालू हुई मेरी। फिर प्रोफेशनल प्रोफेशनल उनके ग्रुप में मैं आ गया, फिर उनके प्लेस होने लगे एवरी डे, जैसे एक मतलब प्रोफेशनल एक्टर जाता है रेपर्टरी में काम करते हैं। फिर आप सीखते हैं ना धीरे धीरे, फिर वो बिल्कुल सारी चीजें हैं, फिर प्लेस आपके पूरे हिंदुस्तान में कहीं कभी कहीं कभी कहीं। फिर 93 में हम लोग लंदन गए पहली बार, मैं तो लाइफ में पहली बार हवाई जहाज में तब बैठा था, मैं आपको सच बताऊं, जब विदेश जा रहे थे तो मैंने पहली बार जहाज देखा था कि अरे यार ये होता है, और सीधे लंदन। तो हबीब साहब ने काफी जगह पे भी, जर्मनी वर्मनी, वो काफी देश देश दुनिया घूमी मैंने उनके साथ, लेकिन बहुत अच्छा क्या सफर था, क्या बात, लेकिन थिएटर बहुत मेहनत कुछ थी। सिखाते हैं, वाकई मेहनत थी। जैसा से आपने कहा कि आपने आपने अपना डिक्शन सही किया थिएटर में जी आने के जी लिए, और ये बहुत हाँ बड़ी बात है आपका तलफ्फुज ठीक करना, और जी बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का वेलकम करना चाहूंगी। रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाशवाणी दिल्ली से हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। इंद्रजीत सिंह भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। राइटर है सतीश आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेशनल स्कूल ओहो रामन से बेहतरीन कलाकार तो हैं ही, निर्देशक है और राइटर है, बहुत बहुत स्वागत जी करना जी जी चाहूंगी। सुभाष गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन निर्देशक फिल्मों से थिएटर से, और क्या कहूँ सुभाष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, लेजेंड है आप, तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सुभाष सर आपका। गिरीश चावला जी हमारे साथ जुड़े हैं, रिट्स हमारे साथ जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। अदिति गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है, बहुत स्वागत। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तहे दिल से स्वागत। युवराज शर्मा सर हमारे से जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार माइंड के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, लाजवाब इंसान। युवराज सर बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपको भी मैरी क्रिसमस। शोभा आहूजा जी हमारे से जुड़ी हैं, तहे दिल से स्वागत। जमुना अय्यर जी हमारे से जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। तो हमने आपने जिस तरह से सिलसिला शुरू किया हुआ, मैं भी इन आपके सभी का आप शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि शो में आए हैं और हमें सुन पा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त निकाला है लेकिन तो नहीं। जिस तरह से आपने कहा कि आपकी फिर शुरुआत हो गई हबीब सर के साथ, तो कोई ऐसा प्ले, नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बेहतरीन रंगकर्मी हैं और लेखिका हैं और बहुत कुछ हैं वो, इनकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नौरीन शर्मा जी आपका भी। तो आपने जो जब उनके साथ आपकी जर्नी शुरू हुई हबीब सर के साथ, तो कोई ऐसा प्ले उनके साथ आपने किया हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, कोई ऐसा प्ले, कोई याद, कोई देखिए सुनहरी याद? उनका जो प्ले था, मैं आपको सच बताऊं कि मेरा पहला प्ले जो था उनका, देख रहे हैं नैन, वो एक्चुअली कर्म और उसका फल, उसका जो सार था कि आप जीवन में जो करते हैं और उसका जो फल की आप इच्छा रखते हैं, उस पे आधारित था। और एक्चुअली उसमें दिखाया गया है कि जो भी इंसान जो भी काम करता है उसमें कहीं ना कहीं वो नाखुश होता है कि यार ये नहीं, इसमें भी कहीं ना, उसमें ये दिखाया है कि हर काम में कहीं ना कहीं आप पाप के भागीदार होते हैं और वो व्यक्ति जो है भटकता रहता है कि मुझे ऐसा कोई काम करना है जिसमें मेरा पाप ना जुड़ा हो। और उसमें ये दिखाया है कि हर काम में ऐसा है कि जिसमें आप थोड़ा बहुत जरूर पाप करते हैं। और बहुत अच्छे, उसमें हबीब साहब ने बहुत खूबसूरत सॉन्ग्स लिखे थे और बहुत अच्छे तरीके से उसको, ये जर्मन एक प्ले है द आईज ऑफ एन अंडाइंग ब्रदर, उस पे उन्होंने अडॉप्ट करके बहुत खूबसूरत तरीके से उसको लिखा था। तो एक्चुअली गीता का सार है वो पूरा उसपे, वो जो आप प्ले जब देखते हैं तो प्ले देखने के बाद आपको लगता है कि सचमुच जीवन क्या है और जीवन की बहुत सारी सच्चाइयां सामने दिखाई देती हैं। मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल नया था तो बहुत सारी चीजों से उतना जुड़ नहीं पाता था ना, कि दुनिया देखनी शुरू ही की थी और इतना ऐसा प्ले, लेकिन वो जुड़ते 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 जब चीजें समझ में आने लगी तब लगा कि यार क्या बात है। और इसके अलावा हबीब साहब का एक प्ले था जो उन्होंने लिखा था, शेक्सपियर का प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम, उसमें मैं पक जो कैरेक्टर है वो मैं करता था और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने डिजाइन किया था सारे उनके जो ग्रामीण जो एक्टर थे उनके साथ और जो शहरी एक्टर थे उनके बीच में वो जोड़ करके जो उन्होंने जो प्ले तैयार किया, मतलब इतना हिलेरियस, इतना मजेदार, इतना अच्छा। और मेरा रोल उसको तो मैं बहुत एंजॉय करता था, सीरियसली बहुत अच्छा। और उसका एक घटना है बहुत ऐसी वाली घटना है कि जो कि बहुत ही मेरी जिंदगी में, मतलब बहुत एकदम वो हो गया। मैं हबीब साहब के यहाँ कुछ 4 या 5 साल हो चुके थे, तो एशियाड विलेज में थे हम, तो मेरे घर पे वो वाइट वॉश करने वाला आदमी आया, मैंने एक खिड़की खोली, वो खिड़की मेरे सिर में लगी, मुझे गुस्सा आया और मैंने उस खिड़की में हाथ मार दिया तेजी से, और पूरी कांच की खिड़की थी। और मेरे हाथ, देखिए ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ओह गॉड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निशान हाँ है, निशान जी, तो है। ये, हाँ ये पूरा कट गया था। और ऑल इंडिया मेडिकल में इमरजेंसी में मुझे भर्ती किया गया, 5 घंटे ऑपरेशन चला, जिंदगी मौत के बीच में मैं जूझता रहा जी। और ऐसा हो गया था कि पता नहीं अब वापस आ पाऊंगा ऑपरेशन थिएटर से, नहीं, सारे लोग बाहर खड़े थे। उसके बाद फिर हबीब साहब तो फिर ठीक होने लगा, फिर ठीक हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो उतना बहुत जल्दबाजी में जान बचाने के चक्कर में वो सब चीजें नहीं हो पाई। सेकंड ऑपरेशन के लिए मैं रेडी नहीं था, मैंने कहा मैं नहीं कराऊंगा, आप मुझे बहुत हो गया ना, एक बहुत ज्यादा वो हो गया। तो हबीब साहब बोले कि आप करा लीजिए, क्योंकि क्या है कि जिंदगी में फिर इस चीज से कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो अभिनय है वो आपसे छूट जाए, क्योंकि क्या जी होता है कि आपका हाथ जो है जी जी वो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पूरे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें आप, और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में था हल्का हल्का मुझे होश आ रहा था तब भी मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि हाथ बच जाएगा मेरा या नहीं, क्योंकि मुझे एकदम ऐसा लगने लगा कि शायद अब सब छूट जाएगा, फिर से सब कुछ छूट जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसा था कि क्या होगा पता नहीं इस हाथ के साथ। लेकिन ऊपर वाले ने बहुत अच्छा किया, फिर सेकेंड ऑपरेशन मैंने हबीब साहब के कहने पे, और उन्होंने मेरी काफी उस टाइम पे हेल्प की और कहा, उनके डॉक्टर पहचान के थे ग्रेटर कैलाश में, उन्होंने वहां मेरा वो करवाया, ऑपरेशन करवाया। उसके बाद मेरे हाथ में ना प्लास्टर था,
उतने दिनों के लिए, कुछ 1-1.5 महीने के लिए। और हबीब साहब का यही प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसमें मैं पक करता था, तो लेडी ट्राम कॉलेज में हम लोग शो कर रहे थे। तो हबीब साहब, मैं गया शो कर, मतलब सिर्फ गया था ऐसे ही। तो हबीब साहब ने मेरे पास आके मुझसे कहा कि अनूप, कर पाएंगे आप ये शो? मैंने कहा सर मेरे हाथ में तो आप देख रहे हैं ना, ये है। हबीब साहब बोले वो मैं काम चला लूंगा, आप बताइए आप कर पाएंगे या नहीं। मैंने कहा अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं कर लूंगा शो। क्या उसके बाद बात, आपको पता है वो पक जो था वो प्लास्टर है, पूरा शो मैंने किया। और इतनी भाग दौड़, इतना उछल कूद थी उसके अंदर कि मतलब क्या बात है, मतलब इतना ज्यादा था। लेकिन वो जोश, वो एक आप हबीब साहब ने कहा तो एक शक्ति भी आ गई थी मेरे अंदर, यार हबीब साहब बोल रहे हैं तो आप कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। और शो इतना जबरदस्त शानदार उसका वो हुआ, और मुझे बेहद खुशी हुई कि यार ठीक है, जोश जब आता है ना आदमी के अंदर, और जब आप बहुत लगन से कोई काम करते हैं तो बाकी सारी चीजें छोटी रह जाती थिएटर तो इट्स लाइक थेरेपी, ये तो आपको है। मुश्किल से जी मुश्किल चीजों से उभार के लेकर आता है, आपको बदल देता है, जादू है करेक्ट थिएटर करेक्ट तो। बात है, बिल्कुल श्याम श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन राइटर हैं, लिखते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी इन न्यू जनरेशन आपके लिए। श्रीकांत अरे श्रीकांत निमेश जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नोरीन जी लिखती हैं, ग्रेट एक्टर से मिलवाने के लिए। ओ थैंक यू नोरीन जी, आप भी हमारे थैंक साथ हैं, आप अपने आप में एक यू सो शख्सियत हैं। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, टेलीविजन, रंगमंच और रीजनल सिनेमा के लिए काम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। नोरीन जी लिखती हैं, जोश और जुनून सब कुछ करवा देता है, बिल्कुल। प्रतिमा जी। कर्ण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत हाँ शुक्रिया प्रतिमा जी कहना नमस्कार। प्रतिमा जी और हम चाहूंगी। लोग आजकल भाभी जी घर पर हैं, कर रहे हैं साथ में, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ। बिल्कुल। हबीब जी के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, उनकी शख्सियत से जुड़ा कोई ऐसा वाकया, उनकी शख्सियत से जुड़ी कोई ऐसी बात जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो, खासतौर में नई जनरेशन के लिए, मैं चाहूंगी आप जरूर कुछ बताएं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि हबीब साहब जब इस दुनिया से गए थे तब मेरे ख्याल से 88 ईयर्स के थे, लेकिन उन्होंने आखिर मतलब अपने जीवन के आखिरी समय तक थिएटर में जबरदस्त काम किया। और उस शख्स को मैंने कभी थका हुआ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, कि अब थक गए हैं, अरे बस बहुत हो गया काम, अब नहीं करते, बोर हो गया हूं, ऐसे कभी मैंने शब्द नहीं सुने उस शख्स से। और वो हमारी इतनी बड़ी इंस्पिरेशन था वो आदमी, कि हम यंग लोग ऐसा सोच लेते हैं कभी कभी, अरे थक गए हैं यार, थोड़ा ब्रेक चाहिए, थोड़ा अब बहुत हो गया। ये सब शब्द जो है ना, एक्चुअली उस जब इंसान को मैं देखता था कि यार 85, 83, और ऐसे टक 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 चलता था वो इंसान स्टेज पे, टक 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 उन्होंने पृथ्वी थिएटर में जब बॉम्बे में एक फेस्टिवल में, वो उनका पूरा हबीब तनवीर के ऊपर फेस्टिवल था, तो हबीब साहब को मैंने स्टेज पर रिहर्सल, मतलब मुझे लगता है कि वो एक शक्ति पता नहीं कहां से आती थी, मतलब वो जोश जो भी था, वो काम का जोश, वो जुनून, वो पैशन इतना तगड़ा था उनके पास कि वो आदमी को थकान नाम की कोई चीज नहीं होती थी। और इतना अपने काम में हर वक्त जूझे रहना, तो वहीं से हमने सीखा, वहीं से हमने देखा, क्योंकि हमारे गुरु इस तरीके के हैं यार, जिस आदमी के चेहरे पे कभी शक्न नहीं आई। तो आज भी कभी भी आज भी जब हम लोगों को ऐसा होता है कि यार, तो मुझे सिर्फ वही चेहरा नजर आता है कि यार नहीं दोस्त ये गलत है, आपको अपना अपने काम जब करते हैं ना तो फिर आपको भूल जाना चाहिए सब कुछ। अब आप वाह, वही करने आए हैं, आप वही कर सकते हैं, आपको वही करना है, तो फिर क्यों उलझ रहे हो यार, फिर तो मजा लो उस काम का। और जब आपको वही काम करने को मिल रहा है जो आप चाहते हो, तो फिर थकान किस बात की? काम तो उस काम में बिल्कुल, होती ही है कि जिस काम में आपका मन ना लग रहा हो, वाकई जिस काम को आपको वाकई, करने का दिल ना हो, वहां आप कहते हैं कि यार आप थक गए यार, तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको ये काम करने का दिल नहीं है। तो वो यस चीज मैंने हमेशा, मतलब आखिर तक जब तक वो काम करते रहे, और लास्ट तक करते, लास्ट के 1 महीना वो हॉस्पिटल में थे सिर्फ, लेकिन लास्ट तक उन्होंने शोज किए, उतना ही जुनून, उतना ही मस्ती, उतनी ही उनका वो, और उतना ही डेडिकेशन अपने काम के लिए। ऐसा लगता था ये आदमी कल 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 ही थिएटर शुरू किया इस इंसान ने। क्या बात, क्या और बात, पुराने पुराने प्लेस, ऐसा नहीं है कि एक प्ले आज नया है तो ज्यादा जुनून है कि भाई नई चीज है तो चलो यार इसका मजा ले। 30 30 35 35 साल पुराने शोज की रिहर्सल, ग्रैंड रिहर्सल कराते थे, और ऐसा लगता था जैसे पहली बार करवा रहे हैं। एक एक वाह, चीज पर काम करते थे, एक 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 सीन पर काम करते थे।
और उतने ही जोश के साथ। ऐसा लगता था यार इतने शोज हो गए, 1000 शो हो गए होंगे, लेकिन ये उतने ही जुड़े हुए हैं, इतना परफेक्शन। तो मजा आया उनके साथ। मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूं कि मैंने हबीब साहब के साथ काम किया, सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल, आप हैं वाकई। और जो बातें आप बता रहे हैं, ये हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, हम सबके लिए, कि कितनी बड़ी इंस्पिरेशन कि 88 ईयर्स का जो इंसान, जिनका आज नाम है, उनका नाम हाँ इसलिए तो है, जिस तरह की आपने बातें बताई कि पुराने पुराने नाटकों पे भी एक एक सीन पे काम करना, नहीं तो ऐसा हाँ होता है कि हमने तो इसको इतनी बार कर लिया, हो जाएगा, लेकिन हाँ हो जिस तरह से, जाएगा, हाँ हो ये जाए। अब आज मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, सीरियसली हो जाएगा वाली बात पे भी मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ कि हम बिल्कुल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शो कर रहे थे, बाग नाम का शो था। मैं शायद उसका 30वां या 35वां शो कर रहा था, और वो जो मेरा कैरेक्टर था वो था सूत्रधार का, जी जी कि आए और आपने धड़ 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 ऐसे स्पीच टाइप की थी। मैं एक लाइन बोलता हूँ, मेरे साथ के दूसरे जो एक्टर थे वो एक लाइन बोलते हैं, फिर मैं एक लाइन बोलता हूँ, ऐसे ऐसे टक टक टक, कट टू कट, ऐसा था। तो मैं रिलैक्स था, शो हो रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, ओपन एयर में शो था, दिन में हो रहा था वो शो। सुबह पहुंच गए, अपने बातें बातें चल रही हैं, अरे शो तो कर ही लेंगे, ये सब था। मैं आपको सच बता रहा हूं कि शो जब शुरू हुआ, हमारी एंट्री हुई, हमने पहली एंट्री ली, एग्जिट ली, दूसरी एंट्री पे एंट्री ली, और 2 लाइन के बाद मैं भूल गया पूरा प्ले, ओह गॉड, बिल्कुल दिमाग से निकल गया मेरे कि नेक्स्ट लाइन क्या है मेरी। और मेरे सामने ऐसे ऑडियंस बैठी हुई थी, और घड़ी की सुई ऐसे चल रही थी, टक मैं बिल्कुल मतलब चुपचाप खड़ा हो गया था मैं, क्योंकि तो मुझे अच्छा इम्प्रोवाइजेशन करने का कोई इसमें पॉइंट इसलिए नहीं था कि वो कट टू कट लाइनें थी, कुछ और सीन हो, कुछ और हो तो आदमी कुछ भी कर ले कि चलो लाइन बदल के कुछ करके और आगे बढ़ जाए, लेकिन उसमें लाइन ही कट टू कट है, उसमें इम्प्रोवाइजेशन क्या करेंगे। और लिखा हुआ इतना कमाल का था हबीब साहब का कि आज में आप उसमें कुछ डाल नहीं सकते थे अपना, तो मतलब वहां आपको सिर्फ खड़े ही होना था, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं था। तो मैं एकदम ऐसे चुपचाप पहले खड़ा रहा, बहुत मैंने कोशिश की, क्या लाइन थी यार। अब सोचो ये पहला पहला शो नहीं था, ये कम से कम 30वां या 35वां शो था, और मैं ऐसे ऐसे खड़ा हूं बिल कैसे, और मुझे ऐसा लग रहा है टक ओह गॉड, एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियां बीत रही हैं यार, ये हो क्या रहा है। उसके बाद बताया आपको, मैंने ऑडियंस को बोला सॉरी। हाँ हबीब साहब मेरे सामने बैठे हुए थे, तो अब कुछ चारा ही नहीं था, मैंने कहा आई एम सॉरी, मतलब नहीं मतलब अब तो निकल गया हाथ से, वो टाइम निकल गया, वो टाइमिंग ही निकल गई, वो सब समझ गए थे टाइमिंग, कि अब हो गॉड, गया मतलब। उसके बाद फिर मुझे किसी ने क्यू दिया, किसी दूसरे एक्टर ने बाहर से प्रॉम्प्ट करके कि ये, और वहां से फिर मैंने पकड़ा और फिर आगे बढ़ गए। और उस बीच में ऑडियंस ने बहुत अच्छे तरीके से मुझे मतलब ऐसा नहीं, हाँ कि ओके होता है। उसके बाद था लंच, प्ले खत्म होने के बाद लंच था, सारे बड़े बड़े लोग दिल्ली के जितने भी थिएटर वाले हैं, बड़े अच्छे अच्छे उम्दा उस टाइम के लोग, वो सब लोग थे। तो मैं तो ऐसा था कि एक तो मेरी मतलब 20-21 साल की उम्र थी, बिल्कुल घबराया होगा। मैंने कहा हबीब साहब तो मेरी आज क्या हालत करेंगे यार, क्या होगा। उसके बाद जैसे ही प्ले खत्म हुआ, उसका लंच वंच पे सब लोग लंच कर रहे हैं, कर रहा, मैं कहीं दुबका हुआ बैठू। मैंने कहा यार मैं कैसे शक्ल दिखाऊं, आज मैंने किया क्या, ये एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात है ये कि यार वो स्टेज पे बिल्कुल ऐसा हो जाए, ये तो गलत है। तो मैं हबीब साहब से जाकर मिला, मैंने कहा यार मिल तो लूं और बोल दूं उनको कि मतलब मुझे बेहद दुख है इस बात का और मैं बहुत शर्मिंदा हूं उस चीज के लिए। तो मैंने हबीब साहब से जाके वहीं पे कहा, हबीब साहब बिल्कुल नॉर्मल थे, पता है आपको, हबीब साहब ने मुझसे दो शब्द नहीं कहे इस बात को कि तुमने ये क्या किया और तुमने वो, कुछ नहीं। हबीब साहब बोले अनूप ऐसा होता है, और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एक्टर भूले हैं स्टेज पर, और उन्होंने लंबे लंबे पॉजेस भी लिए हैं उस पे, ऐसा होता है। लेकिन उसमें सिर्फ एक गलती ये है कि जब आप शो करते हैं ना, उससे पहले आप अपनी लाइनों से जरूर गुजरिए, आप के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मैंने तो कर लिए हैं इतने शो, मैं तो कर लूंगा, कभी कभी आप ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि आप लाइनों से नहीं गुजरते, आपको लगता हो जाएगा, लेकिन हमेशा गुजरिए, एक बार जरूर पूरा प्ले जो भी आपका है वो निकाल दीजिए, उसके बाद फिर आपकी जो भी परफॉर्मेंस शुरू हो रही है वो रही है, क्योंकि
फिर उस दिन से मैंने कसम खाई कि नहीं यार ऐसा नहीं है दोस्त, ये करना चाहिए, क्योंकि आखिर आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं और इंसान ही तो है, हो जाता है ऐसा, निकल जाती हैं चीजें, बहुत सारी चीजें निकल। लेकिन अमिताभ ने मुझे बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बोले फर्स्ट क्लास, जो हुआ ठीक हुआ, ये तुम्हारे लिए एक सबक था और अब वाकई शायद कभी जिंदगी में नहीं होगा ऐसा, और कुछ नहीं वाकई। और हुआ। लेकिन क्योंकि ये भी एक सबक है कि जो हो जाएगा, जो टाइप हम लोग जहन में रखते हैं कि नहीं हो जाएगा, ये हाँ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आपको करना जी जी पड़ेगा, जी आपको क्योंकि जिसने बहुत खाली इजी, छोड़ दिया करेक्ट करना पड़ेगा, ओवर है। और अमित कॉन्फिडेंस साहब हुए को तो। मुझसे तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसी, और मतलब मुझे खुद से खुद को उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखिए क्या क्या हुआ, ये लाइफ के लिए सबक बन गया मेरे लिए, और मेरे तेज ख्याल तेज से आपको दूसरे एक्टर्स को भी सीखता जो आपके यंगस्टर हैं उनको भी मैंने इसलिए एक बात सुनाई है कि चीजों को हमेशा ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, आप बिल्कुल उसको अपनी चीज को हमेशा मजबूत बना के चलिए। बिल्कुल। नोरीन जी लिखती हैं, बढ़िया सलाह आज के यूथ के लिए। बिल्कुल नोरीन जी, वाकई ये बहुत बड़ी सलाह है। प्रतिमा जी लिखती हैं, अनूप बहुत ही अच्छे इंसान है, अच्छे एक्टर तो हैं ही। प्रतिमा जी बिल्कुल प्रतिमा जी, बहुत शुक्रिया। जी अच्छा खुद बहुत अच्छी कलाकार हैं और बिल्कुल बहुत अच्छे दिल की मतलब शख्सियत है, सच बता रहा हूँ। सेट पे मेरी प्रतिमा जी से काफी बातचीत होती रहती है और इनसे काफी इनके अपने अनुभव भी बहुत जबरदस्त हैं, हम बात करते रहते हैं, बहुत ही प्यारी इंसान है जी। संध्या गुप्ता जी हमारे से जम्मू से जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। पोपी जी हमारे से जुड़ी हैं, बहुत शुक्रिया। मैरी क्रिसमस। सुभाष जी लिखते हैं, जो कि बेहतरीन निर्देशक हैं, एक्टर रहे हैं, दिल्ली रंगमंच में एक बड़ा नाम है। हर शो को पहला शो समझ कर करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हर शो को पहला शो समझ कर करना चाहिए। वाकई सर, ये सब हम सब लोगों के लिए, जो नए परफॉर्मर्स हैं उनके लिए वाकई बहुत बड़ी सीख है। जिस तरह से अनूप जी ने भी बोला कि हर शो को पहला शो समझ कर करेंगे तभी उसमें हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, जमुना जी लिखती है, मैंने भी हबीब तनवीर जी का प्ले खैरागढ़ कोई जगह वहां पे देखा था। गजब की एनर्जी थी उनमें। बाकी इन्होंने, अनुप जी ने बताया कि बेटे होने के बाद भी उन्होंने उनमें कितनी गजब की एनर्जी थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी पर्सनैलिटी पर, थिएटर तो वाकई एक जादू की तरह है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पर रंगमंच का कितना प्रभाव रहा? मेरी पर्सनालिटी पे तो सच बताऊं रंगमंच का ही प्रभाव है। मैं इतना दीवाना हूं रंगमंच का कि जब भी मतलब प्ले, आज भी आपको बता दूं मैं कि आगरा बाजार एक प्ले है हबीब साहब का, जो है। मैं आज आज भी करने जाता हूं अभी भी। वाह, जी 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 अभी लास्ट हमने परफॉर्मेंस इसकी लखनऊ में की थी, लॉकडाउन से पहले से कुछ 2 महीने पहले हम लोग लखनऊ में शो करने गए थे आगरा आगरा बाजार, तो मैं उससे आज भी जुड़ा हुआ हूँ। हबीब साहब तो खैर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका थिएटर अभी भी चल रहा है, नया थिएटर, लेकिन वो बिल्कुल आगरा बाजार एक ऐसा प्ले है जिस जो मुझे आज भी जुड़े हुए हैं उनसे, और वो हम करने जाते हैं। तो आप सोचो थिएटर तो हमेशा मेरे साथ है और उसका प्रभाव तो पूरी जिंदगी रहेगा, क्योंकि तो थिएटर ने ही मुझे, मैं तो एक छोटे से शहर से निकला, बहुत छोटे से, उसने इतना कुछ मुझे बनाया, इतनी मेरी शख्सियत को चेंज किया। मतलब आप बोलने का तरीका, आपको बैठने उठने, दुनिया देखी मैंने, बड़े बड़े लोगों से मिला, एक से एक अच्छे रंगकर्मियों से मिला, तो कितना कुछ तो दिया उसने मुझे, और आज जो भी हूं जितना भी हूं वो सिर्फ रंगमंच की वजह से, वरना कैसे होता, सोचो ना। क्या बात, थिएटर तो आपको बिल्कुल बदल के रख देता है। तो क्या से क्या बना एकदम देता है थिएटर, क्या से क्या बना जी जी देता जी है। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें, रंगमंच के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, एज ए थिएटरिस्ट आप क्या कहेंगे? देखिए ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, मैं सच बताऊं आपको, जब हम प्ले करते थे तब भी वही चुनौती थी, वो चुनौती आज भी है, पता नहीं क्यों हिंदी रंगमंच उस लेवल पे क्यों नहीं आया, ये हमेशा से वो रहा, और जबकि एक से एक अच्छे कलाकार निकले हैं, ऐसा नहीं है, हिंदी रंगमंच के कलाकार जबरदस्त हैं, एक से एक अच्छे डायरेक्टर हैं, एक से अच्छे अच्छे राइटर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो जो कमी है जिंदगी जीने के लिए, हर आदमी को जितनी जरूरत होती है ना, वो जब नहीं मिलती है तो लोग फिर सिनेमा में चले जाते हैं। देखिए मैं अपनी भी बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उससे अलग हूं जुदा हूं, तो वही चीज है कि फिर आपको लगता है कि यार अब एक टाइम के बाद कि आपकी शादी भी हो गई, फिर आपके बच्चे भी हो गए, जो चीज आप नहीं कर पाए वो आपके बच्चे वो महसूस ना करें, उनको अच्छी शिक्षा मिले, चाहे वो बाद में थिएटर करें वो एक अलग चीज है, वो उनकी चॉइस है।
लेकिन कम से कम उस चीज से ना जूझें जिस चीज से आप जूझते हुए चले आया। तो बस वही है, चुनौती तो हमेशा बनी रहेगी। बस यह है कि उसको अच्छा करने के लिए बहुत सारे अच्छे बड़े लोगों को उसमें आना पड़ेगा। अभी तो खैर कोरोना का टाइम चल रहा है, इस वजह से ऑडियंस के बारे में मैं इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि वो नहीं आ रही है, लेकिन एक बिल्कुल एक खास ऑडियंस है जो मैंने दिल्ली में देखी थी, जो मैंने कलकत्ते में भी देखी थी, जो अहमदाबाद में भी देखी थी, जो मैंने लंदन में भी देखी थी, एक खास ऑडियंस थिएटर की है, वो हमेशा आती है, जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो यस जेन्युइन है, वो हमेशा मैंने देखे हैं कि वो लोग आपको थिएटर में बैठे हो बतौर ऑडियंस हमेशा मिलेंगे और उतना ही एंजॉय करेंगे। और प्ले उनको ना प्ले की हमेशा अगले नाटक या कौन सा बेहतर नाटक है उसकी हमेशा एक उनको खुराक चाहिए, वो हमेशा तलाशते हैं कि अब कौन सा अच्छा प्ले आ रहा है। इस तरीके की ऑडियंस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे गुजराती प्लेस होते मराठी हैं होता उसमें भीड़ है, मराठी की भीड़ होता जाती है, मतलब कमर्शियल है, बिल्कुल लोग लोग सिनेमा नहीं कर रहे हैं, थिएटर मतलब फिल्म नहीं कर रहे हैं, और क्या कहते हैं टेलीविजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ थिएटर कर रहे हैं और जिंदगी चला रहे हैं। वो हिंदी रंगमंच में पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा। वाकई। जिस तरह से अभी आपने कहा कि लंदन की बात की आपने, वहां तो टिकट थिएटर की टिकट ब्लैक में बिकती हैं जी, मैंने और आपको सर वो बताऊं, मैं आपको बताऊं, मैंने कैलकटा में ब्लैक होते देखा है टिकट। आ हबीब साहब का चरणदास चोर जो प्ले था, मैं आपको सच बता रहा हूं ये। हाँ, चरणदास चोर जो प्ले है उसमें एक एक्टर थे दीपक तिवारी, अभी खैर वो किसी वजह से बेचारे उनको थोड़ा सा मेडिकली वो अभी फिट नहीं है बेचारे, उनको थोड़ा सा पैरालिटिक अटैक आया और वो सब बड़ा दुख की बात है। खैर, लेकिन दीपक तिवारी जब प्ले करते थे तो ऑडियंस ये पूछती थी कि चरणदास चोर कौन कर रहा है, तो लोग कहते थे कि आज दीपक तिवारी। मैंने अपनी आंखों से लोगों को ऐसे मतलब जैसे किसी के पास चार टिकट है उनसे ऐसे कहा है कि प्लीज 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 मुझे दे दीजिए, आप दो टिकट प्लीज दे दीजिए। तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने कितने का उनको बेच दिया ये नहीं पता, लेकिन ये है कि ब्लैक का मतलब यही है कि चाहत है कि कैसे भी करके हम थिएटर के अंदर घुसे और शो देख लें। ये मैंने कैलकटा में देखा था, क्या बात, क्या ऑडियंस को बात। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि कैलकटा में जब हबीब साहब का ये सब प्ले चल रहा था तो अंदर इतनी ऑडियंस थी कि ऑडियंस जो बाहर थी उनकी ये गुजारिश थी कि हम अगर अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा कुछ इंतजाम करिए कि हम वो प्ले देख पाए। तो बाहर मॉनिटर लगाया गया था अंदर के शो के लिए, और बाहर ऑडियंस खड़े होकर के उस मॉनिटर पे देख रही थी वो शो। नोरीन जी लिखते हैं, मैंने एसआरसी में ब्लैक में लोग टिकट खरीदते देखा है। वाकई नोरीन जी, क्या बात, क्या जी, बात। करण लिखते हैं, करण सर लिखते हैं वेलकम, अनूप जी, करण अरुणाचलम जी लिखते हैं सर वेलकम। नमस्कार। करण सर बहुत ही उम्दा आदमी हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारे इंसान हैं ये। बहुत बेहतरीन कलाकार भी हैं। करण जी के साथ भी मैंने काम किया है, अरे करण वाह, जी, जी, करण जी के साथ हमने एक शो था वो किया था, और उसमें हम अलग अलग कैरेक्टर्स करते थे और करण जी उसको होस्ट कर रहे थे। बहुत बहुत मजा आया था उसमें, बहुत बहुत जबरदस्त। क्या बात। नमस्ते सर, नमस्कार सर, मैरी क्रिसमस करण सर। करण सर मैरी मैं क्रिसमस। मैं जिस तरह से आप मुंबई की तरफ जो आपका रुख हुआ, लेकिन आपने अपने आप को पहले काफी तैयार किया मुंबई जाने के लिए। आप थिएटर से जुड़े रहे, आपने बहुत काम किया, आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे शोज किया, अपने आप को एक जो कहते हैं परिपक्व किया थिएटर में। तो बहुत से, आप जब मुंबई गई, उस सवाल पे मैं बाद में आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल। जब आप मुंबई आए, आपने बहुत सारे टेली सीरियल्स किए, धारावाहिक किए, और फिर सिनेमा से भी आपका जुड़ाव रहा। खास तौर पर अगर मैं करंटली भाभी जी की मैं बात करूं, बहुत ही मकबूल सीरियल है, लोगों को बहुत पसंद आता है। उसमें आपका कॉमेडी, चाचा जी का करेक्टर कॉमेडी का पुट किया। कॉमेडी करना बहुत आसान नहीं होता, लोगों को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन कॉमेडी करना जो टाइमिंग्स होती है बहुत मुश्किल है। क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा अगर लिखा गया है ना, बहुत खूबसूरत तरीके से अगर लिखी गई है कोई चीज, और आप एक जानकार अगर थोड़े बहुत भी अगर आपको उस चीज की जानकारी है, अगर आप कलाकार हैं, आपको पता है, आपने उस पर रियाज किया हुआ है, पहले से काम किया हुआ है, और आपके जो साथ के एक्टर्स हैं वो भी अगर कमाल हैं, तो टाइमिंग दोनों एक्टर के बीच की जब आती है ना तो चीज निकल के आती है कि
वाह क्या बात है। और वो टाइमिंग एक दूसरा एक एक एक्टर दूसरे एक्टर की अगर समझ लेता है ना, एक दूसरे एक्टर की कि अच्छा ये है टाइमिंग, और फिर आप उस स्क्रीन उस स्क्रिप्ट को जब आप पढ़ते हैं और आप जब उसको पढ़ते पढ़ते जब आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे पता लग जाता है कि एक्चुअली इस सीन का क्या मजा है या ये सीन किस लेवल तक जा सकता है। इसलिए दो तीन रिहर्सल करके सामने वाले एक्टर को कुछ इम्प्रोवाइज करके कुछ बेहतरीन चीज ला करके जब वो सीन किया जाता है तो उसका मजे आ जाते हैं। तो टीम बहुत कमाल हो आपकी, एक्चुअली टीम कम, आपको तो पता है कि थिएटर हो या बिल्कुल आपका टेलीविजन हो या टीम, आपके साथ जितने भी लोग हैं अगर सब जबरदस्त हैं, आपके डायरेक्टर बहुत जबरदस्त हैं, आपका राइटर बहुत जबरदस्त है, आपके एक्टर आपके साथ के सब बहुत अच्छे हैं, खुशनुमा माहौल है, माहौल भी बहुत जरूरी होता है कॉमेडी के लिए, सब लोग चीयरफुल हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, उसके बाद आके आप सीन कर रहे हो, सीन ऐसे कर रहे हैं जैसे काम नहीं, मजे मजे में आपने सीन किया और आप निकल गए। क्या वो बात इम्पैक्ट जो दिखाई देता है फिर जब आप देखते हैं जो घर पे बैठे लोग आपको देख रहे हैं, तो वो जब तक आप मजा नहीं लेंगे ना अपनी चीज का अपने बिल्कुल आप, तब तक ऑडियंस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वो हमारे देखिए भाभी जी में भी अभी प्रतिमा जी हैं हमारे साथ, आसिफ भाई हैं, रोहिताश गौर जी हैं, और क्या कहते हैं आपकी अंगूरी भाभी, और जितने भी मलखान टीका सब लोग ऐसे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं वहां पे बस। एक्चुअली सच बता रहा हूँ, काम का कोई किसी पे कोई प्रेशर नहीं, सीधा मस्ती करो, सीन करो, चलो भाई, और क्या बातें बात बातें होती रहती हैं, सब सब थिएटर से हैं एक्चुअली, और सबके पास बहुत बातें हैं, सबके बहुत अनुभव हैं, तो है। वो टाइम ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं लगता। और वो अनुभव जब सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं आपको आपके आपकी जिंदगी में भी बहुत काम आते हैं। प्रतिमा जी के देखिए कितने सारे एनएसडी में ये रही हैं, एक से एक प्ले, हम तो उस जमाने में प्रतिमा जी को देखा करते थे जा जा करके कमानी ऑडिटोरियम में, इसमें इनके शोज होते थे तब, खूबसूरत बहू इनका बहुत अच्छा प्ले था, रंजीत जी बिल्कुल कपूर जी ने वो किया था, तो वो सब हमने देखा है तब, तो मतलब हम तो इनसे बहुत जूनियर थे, तो हम देखते थे यार क्या क्या एक्टर है, क्या शो है, क्या ही है, तो वहां से भी हमने सीखा। हबीब साहब भी हमें लेके जाते थे एटएसडी के प्ले दिखाने के लिए, श्रीराम सेंटर के प्ले दिखाने के लिए, या बाहर से कोई ग्रुप आया है अब्रॉड से वो प्लेस दिखाने के लिए। अभी साहब को ये भी था कि आप देखोगे तो भी सीखोगे, सिर्फ करते करते रहने से नहीं, आपको देखने से भी आता। जी ये देखने से बहुत सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है। प्रतिमा जी लिखते हैं ये कॉमेडी में इम्प्रोवाइज कमाल का करते हैं अनूप जी, और कॉमेडी टाइमिंग भी कमाल हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं फिल्म। जी ये लिखते हैं मेरी बहुत हेल्प करते हैं अनूप जी कौन लिख आपके रहा है लिए। ये? प्रतिमा जी मुझे बहुत हेल्प नहीं करते नहीं हैं हेल्प अनूप कुछ जी। नहीं कर रही, मैं क्या हेल्प करता हूँ ये। अरे भरद्वाज जी अपने आप में इतनी 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 मतलब जबरदस्त एक्ट्रेस है, मैं कोई हेल्प नहीं, बल्कि मेरी मैं तो हेल्प लेता हूँ। ये भरद्वाज जी ने मुझे जो है नहीं कमाल के गुण सर, नहीं कमाल बहुत बहुत के बहुत 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 कमाल बहुत के। नोरिन जी कह रही है बहुत हाउसफुल की बात करें तो जिस लाहौर ने ही वेख्या और जनपद किस जैसे नाटकों में हाउसफुल शो जाते रहे हैं एसआरटी जी में। जी जी करण जी लिखते हैं वी वर टुगेदर इन मिलते हैं ब्रेक के बाद सीरियल में, यस यस यस, ठीक मिलते हैं ब्रेक के बाद, करेक्ट करण जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्या बात थी, हम लोग फिल्म सिटी में शूट करते थे, और करण जी का बड़ा अच्छा वो प्ले था, मतलब वो अच्छा शो था, और हम लोग जाते थे उसमें अलग अलग कैरेक्टर करने के लिए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनते थे, और बहुत अच्छा बहुत अच्छी टीम थी वो भी, सीरियसली वो ट्रेनिंग एक तरीके से टेलीविजन की ट्रेनिंग थी मेरे लिए, कि थिएटर जी करने के बाद क्या होता है, हर 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 मीडियम की ट्रेनिंग होती है ना, वो बहुत जी जरूरी है, तो वो इस तरीके के शोज मेरे लिए बड़े ट्रेनिंग बतौर थे कि यार आज ये कैरेक्टर करना है आज, और तुरंत तुरंत करना है। प्ले में तो ये होता था कि 4 महीना रिहर्सल चली है फिर आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, आप पूरी तरीके से मजबूत हो चुके हैं, समझ रही हैं। लेकिन टीवी में क्या बिल्कुल होता है ना कि टीवी में चलिए टीवी में भी आपको एक शो मिल गया, आपका वो कैरेक्टर चल रहा है तो भी ठीक है, जी लेकिन जी कॉमेडी के कुछ ऐसे शोज हैं जिसमें सेम डे बताया जाता था कि आज तुम जो है वो डाकिया हो, आज तुम जो है वो कारपेंटर हो, आज तुम ये हो, आज तुम वो, अब तुरंत तुरंत कैरेक्टर बना करके उसका फिर वो रख के और फिर उसमें कैरेक्टर में जाना, और वो कैरेक्टर उसी दिन खत्म हो जाएगा, अगले दिन दूसरा, तो वो ट्रेनिंग है बहुत जबरदस्त, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे कुछ है, जैसे एफआईआर था सब टीवी जी पे आता जी था,
उसमें भी हम बहुत अलग 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 कैरेक्टर करते थे। तो रोजाना ऐसा होता था, आज क्या करें, आज क्या करें, आज ऐसे ही मिलते हैं ब्रेक के बाद भी था, आज क्या करना है, आज क्या, अच्छा आज क्या है। तो वो बहुत एक्टर के लिए बहुत अच्छी चीज है वो, बिल्कुल, एक्टर के लिए। और यहाँ पे थिएटर आपको बहुत हेल्प करता है, थिएटर की बहुत वजह से बहुत। ही हम एकदम एकदम कि जो भी करना है हम लोग कर सकते हाँ हैं, करना है आप लोग कि फटाफट थिएटर दिमाग में लाया हो, क्या का करें कैसे जादू करें, और वो सब ठीक होते हैं। है, जी 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 वाकई हाँ वाकई थिएटर का जादू है। बहुत बहुत बचपन में जबरदस्त लिख, है। बाकी बचपन से लिखती हूँ कि ये तुम्हारा बड़प्पन है अनूप, जो आपने अभी उनके लिए बोला। नहीं लेकिन बस, शी इज टू गुड, शी इज टू गुड। मनोज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, रंगमंच के तो हैं ही, बेहतरीन सिंगर हैं, और फिल्मों से भी जुड़े रहे हैं, एज अ डायरेक्टर भी जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनोज शर्मा जी आपका। जमीर अशाई साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेजेंडरी एक्टर जिनको कहा जाता है जम्मू कश्मीर में, ही इज दैट। बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज शर्मा जी लिखते हैं, अनूप इज अ फाइन एक्टर। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मनोज मच, थैंक यू सो मच मनोज जी, क्या सिंह बात भाटिया जी लिखते हैं, अनूप जी अब तो आप कुछ कॉमेडी करो या ना करो, आपको देखकर ही मन में हंसी आ जाती है, कमाल का काम है। है। अरे आप लोग पसंद कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, सीरियसली बहुत। प्रतिमा जी ने बहुत खूबसूरत एक बात लिखी है, और ये बिल्कुल मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। लिखते हैं, लोगों का काम करने के, लोग काम करने के बाद लोगों के दिमाग एकदम से चढ़ जाते हैं, अनूप बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। तो मुझे लगता है थिएटर हेल्प करता है, थिएटर वाले बहुत बिंदास होते हैं, आप भी कहेंगे। मैंने कहा सीखा तो प्रतिमा जी से ही है डाउन टू अर्थ रहना। ये खुद इतनी इतनी जबरदस्त, इतनी जबरदस्त कलाकार हैं, और मतलब बिल्कुल इतना प्यार से सबके साथ रहते हैं, हम लोग सब साथ में खाना खाते हैं, कभी नहीं लगा क्या कि इनके साथ, प्रतिमा जी के साथ, कि इन्होंने इतना ज्यादा काम किया है यार, इतनी कमाल की कलाकार हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। और हम लोग बिल्कुल ऐसा रोज बिल्कुल एकदम ऐसे लगता है कि वाह, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, इतना प्यार सबके साथ प्रतिमा जी का रहता है। खाना लाती हैं, खाना भी सबको, तुम ये खा लो, ये लेके आई हूँ, ये खाओ वो खाओ। अच्छा कभी कभी अरे बैठ ना थोड़ी देर, तू तो बस, फिर बैठे हैं, फिर बातें चल रही हैं, मजा आता है। मतलब उस टाइम पे सीरियसली फील करता हूं मैं कि मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली थिएटर का वो क्या बॉस, बात, क्या बात, बिल्कुल क्या वही बात। वैसे तरीके की बातचीत, चाय जिस तरह से चलती आपने कहा, रहती है, चाय वाय होती है। जिस तरह से आपने कहा कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, ये थिएटर में होता है, थिएटर में सब बराबर है, हाँ कोई आए, कोई कोई भी कोई हो, कोई कोई भी स्टेटस हो, गेम सब कुछ नहीं। कोई नहीं होता थिएटर में, सब बराबर है। बाकी थिएटर तो वाकई जादुई दुनिया है, इट्स सो डिवाइन, बिल्कुल इट्स सो डिवाइन, थिएटर इज सो डिवाइन, सीरियसली वाकई सीरियसली, और ऐसा बना रहना चाहिए थिएटर को हमेशा, क्योंकि वाकई वाकई वाकई। जहां पे ये चीज आ जाती है ना कि मैं बड़ा मैं छोटा, फिर वो उस काम का वो चला जाता है। पता है आपको, आप इतना बड़ा किरदार कर रहे हो या इतना बड़ा किरदार कर रहे हो, एक्चुअली कोई भी चीज है, कोई भी मशीनरी है, उसका छोटा सा छोटा बोल्ट जो होता है ना, एक छोटा सा पेच, वो अगर निकल जाए तो मशीनरी में कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। तो हर चीज की अहमियत है, वो लोग को समझना चाहिए कि यार इतनी सी छोटी चीज है लेकिन उसका काम कितना बड़ा है। आप ये देखो ना, आप पूरी मशीनरी का, आप इतने बड़े पार्ट की बात मत करिए, आप ये देखिए कि वो पार्ट को लगाने के पीछे जो 3 बोल्ट लगे हुए हैं, वो उसको रोके हुए हैं ना, हम तो उनका भी बड़ा है। तो यस, वो चीज लोग अगर समझ जाएं तो अच्छा है, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं और समझते हैं, इसलिए ये वाकई मोहब्बत बनी वाकई, हुई है सबकी एक दूसरे की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी, ITA अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, क्या कहेंगे? मुझे ये अपने आप में एक बहुत जी बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको बताऊं कि एक होता है एक एक्टर का, मतलब एक टाइम था जब हम नए नए आए थे ना बॉम्बे में, जी तो हम कुछ दोस्त, आज वो सारे दोस्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक रूम में रहते थे। तो शाम के टाइम सब लोग बैठे हैं, बातें बातें हो रही हैं, और हम लोग ना अवार्ड बांटा करते थे ऐसे ही नकली, एंड दिस अवार्ड गोज टू यू। फील करते थे कि यार इसका भी, देखिए वो एक चीज होती है, चाहे वो थिएटर में आपको अवार्ड मिले, चाहे वो सिनेमा में मिले या टेलीविजन में मिले, लेकिन वो एक तरीके की शाबाशी है आपके लिए, आप जो भी काम करते हैं उसके लिए आप एक तरीके का, आपकी एक शाबाशी मिली है आपको, तो पाने की तो इच्छा हमेशा रही। लेकिन आईटा अवार्ड के लिए एक थोड़ा सा हमेशा ये था कि यार ये टेलीविजन का एक वैसा अवार्ड है जो मिलना चाहिए।
वाकई तो जब नॉमिनेशन में नाम आया तो भी अच्छा लगा, फिर एक गुदगुदी भी थी कि यार होगा नहीं होगा पता नहीं, तो वो भी होता है। लेकिन जब स्टेज पे नाम अनाउंस हुआ तो सच बताऊं एक अजीब सी बॉडी के अंदर ना एक होता ही है कुछ, एक कंपन सा हुआ। सच और वो आपको में। सच बताऊं वो एक आपकी ना आपकी जर्नी जो होती है ना, जो जिस जब से आपने शुरू की है वो सब आपको वो याद आती है कि यार कहां से शुरू करके कहां तक पहुंचे और आज वहां तक जाने का मौका मिल रहा है, और वो आपको उस लायक समझ रहे हैं, आप उसको आप ले रहे हैं, तो वो एक एक होता है ड्रीम आपका। बहुत अच्छा लगा मुझे सीरियसली, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो सारे लोग, वो सारे दर्शक और सारे दोस्त जिन्होंने हमेशा आपको बूस्ट किया कि नहीं यार कुछ होगा कुछ होगा कुछ अच्छा होगा, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आए हैं जिंदगी में। कभी कभी आप निराश भी हो जाते हैं ना कि यार कुछ हो नहीं रहा, ऐसा होता है हर किसी के साथ होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब उतार ही उतार देखते हैं या चढ़ाव चढ़ाव देखते हैं, वो सबके साथ है। उस टाइम पे आपका जो अपने लोग होते हैं ना, जो आपके प्रियजन होते हैं, जो आपका आपके शुभचिंतक, जो आपका अच्छा सोचते हैं, वो जब आपको हिम्मत देते हैं, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके अपने जुड़े हुए जो आपसे प्यार करते हैं, तो वो हिम्मत ही काम करती है। फिर आप उस जगह पर जब पहुंचते हैं, आप वो चीज जब लेते हैं, तो उन सबका शुक्रिया अदा करने का मन करता है आप कि यार वाकई सीरियसली। वाकई वाकई बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और आप इससे पहले जो बहुत ही खूबसूरत बात कही थी उसके लिए नोरीन जी लिखती हैं, हर रोल की अहमियत होती है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। बिल्कुल, मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हर रोल, चाहे छोटा से छोटा रोल भी हो, उसकी भी अहमियत होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जो नए परफॉर्मर जो मुंबई आना चाहते हैं, किस तरह की तैयारी रखें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक थिएटर की प्रोडक्शन कर ली तो उसके बाद उनका ड्रीम होता है या एक वर्कशॉप कर ली कि हमको मुंबई जाना है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी करें मुंबई आने से पहले? मैं सीरियसली ये बताना चाहता हूं कि मुंबई में आने के बाद ये बाजार है, जी इस बाजार में आप अपना सामान जब खोल के बैठते हैं तो आपके पास इतना सामान खूबसूरत होना चाहिए कि सारे जो लोग बाजार में हैं उनकी नजर उस सामान पे जाए कि क्या बेच रहा है ये आदमी, और जी वो सामान इतना बेहतरीन होना चाहिए कि एक बार में वो टक 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 सामान बिक जाए आप, समझ रहे हैं आप। तो वो बिल्कुल सामान, वो गठरी आपको जहां भी आप हैं, आप दिल्ली में हैं, आप रांची में हैं, आप पटना में हैं, लखनऊ में हैं, कहीं भी हैं, आप जहां पे कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी आप पहले वहां करिए अच्छी तरीके से। बॉम्बे तो आप आ ही जाएंगे ना, और अब तो देखिए प्लेटफॉर्म किस लेवल पे खुल गया है कि हर जगह थिएटर के अलावा वेब सीरीज बन रही हैं, वहीं पे फिल्में बन रही हैं, तो हर जगह वो है। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस आधार से आ रहे हैं, अगर आप थिएटर से आ रहे हैं ना, तो आप थिएटर को पहले मजबूती से करिए, आप अपनी सारी कमियों को पहले दूर करिए कि मेरी वो सारी कमियां जो वहां जाकर के ऐसा ना हो कि इस वजह से रिजेक्शन मिले मुझे, उसको सबको पहले आप क्लियर करिए। आप सिनेमा करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करिए, आप थिएटर से हैं तो आप सिनेमा मत करिए, ऐसा नहीं, आप करिए थिएटर हमेशा करिए, आप उससे जुड़े जरूर रहिए। क्या क्या होता है ना कि आप अगर सीढ़ी बना करके आगे बढ़ जाएं और फिर पलट के ना देखें, वो गलत है, क्योंकि जिसने आपको बनाया और वो हमेशा आपको सिखाएगा। थिएटर आपको फिल्म करते करते भी, अगर आप अपने थिएटर की दुनिया को नहीं भूलते हैं, आप हमेशा करते रहते हैं, वो आपका रियाज है। उस तरीके से जैसे एक सितार बजाने वाला अगर रियाज छोड़ देगा और फिर उससे कहा जाए भाई परफॉर्मेंस करो 2 साल बाद, तो उसके हाथों में वो क्या कहते हैं, पैनापन नहीं होगा ना। फिर आप अपने आप को वाकई पैना रखने के लिए आपको हमेशा अपनी थिएटर की दुनिया को बरकरार रखना चाहिए, हमेशा आप उसमें आप ठीक है, आप कर नहीं पा रहे प्ले, आप देखने जाइए, आप दर्शक बन के बिल्कुल जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उससे दूर चले जाएं, फिर क्या होगा, फिर आपकी पैना जो है ना, आपका जो जो पैना आप जो कला, जो आपकी पैनी आपने जहां से करके आए हैं, आपने वही चीज छोड़ दी जो धार लगा के आए थे जिस जगह पे, वही आपने छोड़ दिया, और फिर आप सोच रहे हो कि तलवार हमेशा उतनी क्लासिक चलती रहे और मैं, वो नहीं होता। फिर आपको पहना हमेशा करना पड़ेगा अपने अस्त्रों को, भाई आप जिस चीज को लेकर के आप बड़े हैं, धार वही लगाइए, वही लगेगी जाके, तो आप उसको छोड़िए मत। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप पर टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप मत करिए थिएटर, आप जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जो है परफॉर्मेंस करें तभी कुछ हो, आप दर्शक बन के जाइए, आप दर्शक बन के जाएंगे तो भी कुछ सीख के ही आएंगे ना वहां से। और
दूसरे दूसरे जो कलाकार हैं जो सामने स्टेज पर काम कर रहे हैं उनके लिए आप ताली बजाएंगे तो उनका कितना प्रोत्साहन बढ़ेगा। तो आप उस ग्रुप को, उस दुनिया को, उस फैमिली को छोड़िए मत। तो मैं उन्हीं उनसे कहना चाहूंगा जो आने वाले जो लोग हैं जो चाह रहे हैं वो प्लीज पहले आप अपने आप को धार करिए, पहले तैरा करिए, फिर आइए, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। आप देखिए एग्जाम्पल कितने सारे हैं, लोग आए हैं तैयारी कर करके और फिर जब रंग क्षेत्र में जब कूदे हैं तो फिर तलवार चलाई है उन्होंने और जीत हासिल की है और झंडा लहराया है। लेकिन अगर आप अपनी धार पैनी करके नहीं आओगे तो फिर भैया फिर तो यही है कि सोचते रहोगे कि क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा, क्यों नहीं हो रहा वैसे। क्या बात, नूरिन शर्मा जी लिखती है बहुत सही कहा आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही। राजीव गिरजा लिखते हैं बिल्कुल सही कहा आपने। रितु तिवारी लिखती है वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात कही कि हमें पहले जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको पहले अपने आप को बिल्कुल परिपक्व करना चाहिए थिएटर, और थिएटर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि थिएटर आपको कॉन्टिन्यूसली सिखाता रहता है और इट्स अ प्रोसेस जो जिंदगी भर आपके साथ चलता रहेगा। तो अनूप जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, इतनी आपने खूबसूरत बातें की, इतनी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है और इतनी इंस्पायरिंग बातें की आपने नए लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जमीर साहब लिखते हैं अच्छा लगा बहुत कुछ सीखने को, गॉड ब्लेस यू अनूप जी। बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी अनूप जी थैंक यू सो आपका। मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे बात करके। आप बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से। मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई इंटरव्यू चल रहा है, ये ऐसा लग रहा है आप लोग बैठ के सिर्फ जो है चाय चल रही है और बातें हो रही हैं। यही अंदाज आपका मुझे बहुत अच्छा लगा। और थिएटर से हैं आप, आपने इतना अच्छा थिएटर वहां पे दिल्ली में कर रही हैं, आकाशवाणी से आप जुड़ी हुई हैं और आप कश्मीर से हैं, मतलब सारी चीजें खूबसूरत है ना। और वैसे बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह आप वैसे भी मतलब जो दिख रही हैं वो भी तो इतनी अच्छी चीजें हैं आपके साथ और आप लोगों को उस लेवल पे दे रही हैं जो वहां पे नए बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं उनको आप इतना कुछ कर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूं कि हमेशा ऊपर वाले से कि आपको वो शक्ति हमेशा प्रदान करता रहे और आप काम करते रहे। थिएटर ऑलवेज कीप्स गोइंग, थिएटर ऑलवेज, बहुत जादू है थिएटर में, सच में थिएटर अरे में बहुत बहुत जादू, बहुत 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 जादू। बहुत 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 एक शुक्रिया अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू वेरी यू, मच, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। एक बार फिर से सभी को मैरी क्रिसमस। और कल हमारा जो शख्सियत का अगला अंक होगा, कल शाम को 7 बजे, अपना वही वक्त जो हमारा 7 बजे का वक्त है, कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर से हैं, बहुत नाम है उनको संगीत के क्षेत्र में की अगर हम बात करें। ही इज द नेम इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक कंपोजर है, ही इज अ राइटर, ही इज अ लिरिसिस्ट, ही इज अ पोइट। तो जम्मू कश्मीर से कल हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रिज मोहन जी, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर के से संगीत के क्षेत्र में जुड़ा हुआ, लिखनी के क्षेत्र में जुड़ा हुआ बहुत गीतकार है। बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी मैं आपको और चाहूंगी कि एक बार कल फिर से आप हमारे साथ जुड़िए और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। कल शाम को 7 बजे ब्रिज मोहन जी की जो संगीत में यात्रा है उनसे हम रूबरू होंगी। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।